स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न। MotoGP भारत का 2025 संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया जाएगा? ए पुणे ज़िगवील स्पीडवे, बी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, सी चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय सर्किट, डी मुंबई रेसिंग ट्रैक। आंसर बी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट। एक्सप्लेनेशन, भारत बहुप्रतीक्षित MotoGP का संस्करण 2025 से 2029 तक का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में करेगी। यह एक प्रीमियर दो पहिया मोटरस्पोर्ट महाकुंभ है। पहले यह इवेंट 2024 में होना था, लेकिन मौसम की स्थिति के कारण इसे स्थगित कर दिया गया और अब इसे मार्च 2025 के लिए निर्धारित किया गया है। MotoGP के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अब इवेंट प्रमोटर बन गई है। इस रेस आयोजन के लिए CM योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दी है। अगला प्रश्न, आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए डी राजा, बी चंद्रबाबू नायडू, सी पवन कल्याण, डी नारा लोकेश। आंसर बी चंद्रबाबू नायडू। एक्सप्लेनेशन, तेलुगु देशम पार्टी TDP प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू ने अपने चौथे कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वहीं जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। बता दें कि नायडू के साथ 24 अन्य नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। अगला प्रश्न, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य हाल ही में चर्चा में है, ये किस राज्य में है? ए ओडिशा, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आंसर डी उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, सुहेलवा वन्य जीव अभयारण्य SWS में बाघों की आबादी के साक्ष्य मिलने के बाद उत्तर प्रदेश में जल्द ही एक नया बाघ अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। यह उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती, बलरामपुर और गोंडा जिलों में स्थित है। इस अभयारण्य की स्थापना साल 1988 में की गई थी। अगला प्रश्न, मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर सी 7। एक्सप्लेनेशन, PM मोदी ने नेतृत्व वाली नई सरकार में कुल 7 महिला मंत्रियों को स्थान मिला है, जिनमें 2 कैबिनेट और 5 राज्य मंत्री की रैंक की मंत्री है। 2 कैबिनेट मंत्रियों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी शामिल हैं। वहीं अन्य राज्य मंत्रियों में शोभा करंदलाजे, निमुबेन जयंतीभाई बामनिया, सावित्री ठाकुर, रक्षा निखिल खत्से और अनुप्रिया पटेल शामिल हैं। अगला प्रश्न, जून 2024 में आयोजित समुद्री अभ्यास JIMEX-24 किन देशों की नौसेनाओं के बीच था? ए जापान और दक्षिण कोरिया, बी भारत और ऑस्ट्रेलिया, सी भारत और जापान, डी भारत और चीन। आंसर सी भारत और जापान। एक्सप्लेनेशन, जापान भारत समुद्री अभ्यास JIMEX-24 11 जून 2024 को जापान के योकोसुका में शुरू हुआ। JIMEX-24 भारतीय नौसेना व जापान समुद्री आत्मरक्षा बल JMSDF के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए भारतीय नौसेना और JMSDF के बीच परिचालन बातचीत को सुगम बनाता है।